आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे सामूहिक विवाह कार्यक्रम में एक बार फिर जनपद मैनपुरी में हर्षोल्लास नजर आया। मैनपुरी के श्री देवी मेला पंडाल में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 4 सैकड़ा से अधिक लोगों के विवाह और निकाह संपन्न कराए गए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री के सभी जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान कर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी है। कार्यक्रम के दौरान आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने मीडिया से बात करते हुए बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने सपा के लोगों पर निशाना साधते हुए कहा कि लाल टोपी खतरे का निशान है, लाल टोपी वाले जब भी आते हैं खून खराबा ही होता है, लाल टोपी वालों से सावधान रहने की भी कैबिनेट मंत्री ने बात कही है। आइए सुनाते हैं मंत्री जी की जुबानी, उन्होंने क्या कुछ और क्या कहा। न्यूज 9 भारत के लिए राम किशोर वर्मा की रिपोर्ट। बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे जिला प्रशासन ने करी है और 400 से ज्यादा शादियां आज यहाँ हो रही हैं, उनमें विवाह भी है, निकाह भी है। मैं सबके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लाल टोपी लाल अलर्ट है, उससे बच के रहो, उससे बच के रहो। नहीं वो अलर्ट ही है, वो लगा तो अलर्ट है, वो तो जब आते हैं लाल टोपी वाले तो खून खराब ही होता है, लाल ही लाल दिखाई देता है। मिस्ट्री ने बहुत अच्छा नृत्य प्रस्तुत किया और सबको खुश कर दिया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।